नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया अंतर्गत ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में भारी विरोध के चलते आज भी स्थगित की गई उचित दर कोटे की दुकान। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त उचित दर की दुकानों की नियुक्ति कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में उचित दर की दुकान की नियुक्ति कराएं, जिसके संबंध में 3 बार विरोध किए जाने पर नियुक्ति टाल दी गई। आज पुनः ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में खुली बैठक के माध्यम से आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में डुगडुगी मनादी करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया गया तथा कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत आवश्यक निर्देशों का पालन कराया गया। कोटे की दुकान को लेकर भारी गहमा गहमी रही, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते आज भी तारीख स्थगित कर दी गई तथा पुनः 4 अक्टूबर को निम्नानुसार कोटे की दुकान का चुनाव निर्धारित किया गया है। मौके पर ग्रामवासी सुमन ने बताया कि समूह द्वारा कोटे का चुनाव होना चाहिए, खुली बैठक द्वारा चुनाव हो तो। वही ग्रामवासी गीता देवी ने बताया कि राशन के लिए बिलारी जाना पड़ता है तथा काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में कोटा हो जाने से लाभ मिलेगा, अतः खुली बैठक कराकर चुनाव होना चाहिए। ग्रामवासी रामप्रीत केवट ने बताया कि 3-4 बार तारीख टाल दी गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव समूह द्वारा कराया जाए तो कुछ खुली बैठक के माध्यम से चुनाव कराना चाहते हैं। जनता चाहती है कि हाथ उठाकर चुनाव हो, ये जनता की मांग है। चुनाव हमेशा टाल दिया जाता है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। बता दें कि ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में कोटे की दुकान के लिए 4 प्रत्याशी हैं, कृष्ण कुमार यादव, राम रखवारे प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार निषाद व सुधाकर रस्तोगी। ग्रामीण लोगों में भारी विरोध के चलते आज भी चुनाव स्थगित कर दिया गया, जो पुनः 4 अक्टूबर को कराया जाएगा। एडीओ आईएसबी हनुमान यादव ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि जनता द्वारा हाथ उठाकर चुनाव करवाया जाए, लेकिन 4 समूह होने पर 3 लोगों में विरोधाभास है। उनका कहना है कि समूह द्वारा ग्रेडिंग की जाए, ऐसी स्थिति में 4 अक्टूबर को पुनः मतदान की तारीख निर्धारित की गई है। जी गीता, किस गांव की निवासी? भदेवा मझौली। क्या मांग है आपके कोटेदार के लिए? सर, हमारी मांग ये है, हमें दूर जाना पड़ता है, बिलारी नाम का गांव है, वहां हमें दूर पड़ता है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो मान लीजिए हमें राशन लेने में दिक्कत होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोटा आए और हम जिसे अपने समूह में चुने, जिसका मान लीजिए अच्छे से मतलब राशन मिलता रहे हमें। चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव कैसे हो? खुली बैठक चुनाव का हम चाहते हैं। ग्रामीण लोगों ने कहा कि जनता द्वारा हाथ उठवाया जाए, लेकिन यहाँ 4 समूह हैं, 3 लोग चाह रहे हैं कि उसकी समूह की ग्रेडिंग की जाए। ऐसी स्थिति में हमने BDO साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख को समय आप रख करके चले आइए। आज अगली डेट दी गई 4 तारीख को।